हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मैं आम हूँ का शेष भाग। तो जल्दी से अपनी किताबें निकालिए और मेरे साथ पाठ को पढ़ेंगे। जहाँ मैं पढ़ूँगी आपको उंगली रखनी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे आम? मैं सालों साल पकता और फलता हूँ। मेरे पकने के लिए गर्मी ज़रूरी है। जिन दिनों उत्तर भारत में सर्दी का मौसम होता है, उन दिनों दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है। इसलिए उन दिनों मैं दक्षिण भारत और मुंबई में फला करता हूँ और दूर दूर तक ले जाकर बेचा जाता हूँ। क्या बता रहा है आम इसमें? कि मैं साल भर पकता रहता हूँ। कैसे? इसको गर्मी चाहिए, तो जब उत्तर भारत में गर्मी होती है तो ये उत्तर भारत में पकता है, और जब उत्तर भारत में सर्दी होती है तो दक्षिण भारत में गर्मी होती है। उस समय ये दक्षिण भारत में पकता है और ये दूर दूर तक बेचा जाता है। मेरी अनेक प्रजातियां हैं और प्रत्येक की अपनी विशिष्ट महक और स्वाद है। महक यानी खुशबू। अब आम बता रहा है कि मेरी बहुत सारी प्रजातियां हैं, यानी कि बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, और हर वेराइटी का अपनी एक अलग से खुशबू है और अलग ही उसका टेस्ट है, अलग ही उसका स्वाद है। मेरे विभिन्न प्रकारों के आकार और स्वाद में अंतर होता है। मैं बेर जितना भी हो सकता हूँ और 2.5 किलो का भी, बेहद मीठा भी और कुछ खटास लिए हुए भी। मुख्य रूप से हापुस, तोतापरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफ़ेदा, दशहरी, चौसा, मालदह, ज़ाफ़रानी, केसरिया आदि, ये इतने सारे नाम जो है ना, ये सब आम के नाम हैं। आम इतने आम इससे भी ज़्यादा प्रकार आते हैं, लेकिन हमारी जो मेन आते हैं वो सिर्फ ये होते हैं, ठीक है? ये सब उसकी प्रसिद्ध प्रजातियां हैं। आप मुझे दो वर्गों में बांट सकते हैं, कलमी और बीजू। अब कितने वर्गों में बांटेंगे उसको हम? दो वर्गों में, यानी कि उसके जो दो उसके टाइप्स होते हैं, एक कलमी और एक बीजू। कलम लगाकर तैयार पेड़ पर फलने वाला आम कलमी और गुठली से तैयार पेड़ पर पकने वाला आम बीजू कहलाता है। आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कलम कैसे लगाते हैं। जैसे हम गुलाब के फूल की कलम लगाते हैं, ऐसे ही आम को भी कलम से भी लगाया जाता है और उसकी गुठली से भी उसका पौधा तैयार करके उसको लगाया जाता है। मेरे दो स्वरूप हैं, कच्चा और पका हुआ। दोनों रूपों में मुझे पसंद किया जाता है। कच्चे रूप में मैं केरी या अमिया कहलाता हूँ। मुझे भूनकर स्वादिष्ट पेय तैयार किया जाता है, जिसे पन्ना कहते हैं। इसे पीने से लू लगने का डर नहीं रहता। मेरा अचार, चटनी और मुरब्बा तो दुनिया भर में बड़े शौक से खाया जाता है। पके रूप में मैं इतना स्वादिष्ट और रसीला हूँ कि बच्चे बूढ़े मुझे जितना खा लें उनका मन ही नहीं भरता। बिल्कुल सही बात है, आम तो जितने खा लो मन ही नहीं भरता, बस खाए जाओ और खाए जाओ, ठीक है? यहाँ पर उसने क्या बताया कि मैं दो रूपों में खाया जाता हूँ, एक कच्चा और एक पक्का। कच्चे से क्या बनाते हैं हम? पन्ना, अचार, चटनी, मुरब्बा, और पके आम को तो हम खाते ही हैं। और क्या बताया आम ने अपने बारे में? मैं खनिज तत्वों और विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर हूँ, यानी कि आम में खनिज बहुत होता है और विटामिन ए और विटामिन सी बहुत होता है इसमें। मुझ में लौह तत्व की प्रधानता होने के कारण मैं नया खून बनाता हूँ और आंतों को शक्ति प्रदान करता हूँ। रेशा प्रधान होने के कारण कब्ज दूर करना मेरा खास काम है। दूध के साथ मेरे गूदे का सेवन करने से शरीर को बल और शक्ति मिलती है। अब ये सब क्या थे? आम के खूबियाँ, आम के लाभ, आम खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये आम ने बताया। तो देखा जनाब, लोग यूं ही मुझे फलों का राजा नहीं कहते। मैं जितना खाने में लाजवाब हूँ, उतना ही गुणों में बेमिसाल। यूं तो मैं आम हूँ, पर हूँ खास। तो देखा आपने क्या क्या बताया आम ने अपने बारे में, कि उसके बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे उसके नाम हैं, बहुत सारे उसके टेस्ट हैं। दो तरीके से ये लगाया जाता है, एक कलमी और एक बीजू। बीजू यानी कि बीज लगाकर और कलम लगाकर इसको लगाया जाता है, और दो तरीक़ों से इसको खाया जाता है। कैसे? एक कच्चा और एक पक्का।
कच्चे से हम चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और पके आम को हम दूध के साथ भी खाते हैं। क्या बनाते हैं? आम रस, और ऐसे भी इसको पका हुआ खाते हैं। और इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभ, इसमें हमें खनिज मिलता है, इससे हमें विटामिन ए मिलता है, इससे हमें विटामिन सी मिलता है और इससे हमें आयरन मिलता है जो हमारे खून बनाता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, कब्ज यानी ठीक से मल त्याग ना होना, यानी पेट साफ, जिसका पेट ठीक नहीं होता उसको, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसीलिए तो इसको फलों का राजा कहते हैं। और इसको नाम से फार्म है पर ये है बहुत खास, खास यानी स्पेशल। तो समझ में आ गया ये पाठ, मज़ा आया आम के बारे में जानकर। आज के लिए इतना ही, आपका पाठ यहाँ ख़त्म हो गया है, इसको आपको पढ़ना है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, बाय बाय।